अगर आपको मैं बनूंगा टॉपर की मेंबरशिप के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो, क्योंकि इसमें मिलने वाला है आपको बहुत कुछ। 90 से ज्यादा वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में भी ये सब मिलने वाले हैं और साथ में बीएसटी में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और पता लगाओ। अगर बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइजिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे दो केसेस होता है। पहले केस में होता है जब ऑल पार्टनर का शेयर गिवन होता है। बता दे सी रिटायर हो रहा है, नया पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहाँ पे सभी पार्टनर पुराने हैं तो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दे कि भाई ये है, और जनरल ये गेनिंग रेशियो ये आपको निकालना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएगा नहीं, निकालना है एक तरीके से। केस टू में ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन होगा, एक जो पहले से पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। यहां पे एक बात बताएगा, सी टेक्स सी शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब जो सी का शेयर है वो ए और बी 3:2 रेशियो में टेक कर लेंगे, 3:2 के अलावा कोई और भी हो जाता है। और आपको बोले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने को, तो कैसे निकालेंगे? इसमें और इसमें दो ही एक डिफरेंस है मेन, यहाँ पे सिर्फ ये है कि सी का शेयर ए और बी एक एग्रीड रेशियो में टेक कर लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है। चलो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो बता रखा है केस वन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी 5:4:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, और आपको बता दे कि यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, बता दे अब आपको, और आपको बोले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो कि क्या आएगा यहाँ पे, क्या बोले जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बोले गेनिंग रेशियो बता दो, गेनिंग रेशियो क्या होगा। चलो अभी समझना, नोट कोई नहीं करेगा, यहाँ पे पहले से पार्टनर है और उनका रेशियो कितना है यहाँ पे 5:4:1, तो अगर मैं यहां पे लिखूं रेशियो ऑफ ए बी एंड सी तो कितना है 5:4:1, कौन रिटायर हो रहा है यहां पे, सी रिटायर्स। अच्छा यहां पे एक ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पे आपको क्या और कोई ऐसी चीज दे रखी है, नहीं ना, नहीं दे रखी ना, तो न्यू प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन कौन है पार्टनर एबीसी, क्या रेशियो है इनका 5:4:1, तो अगर यहां पे सी रिटायर हो गया तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा 5:4 होगा, क्या होगा जी 5:4, क्योंकि कौन चला गया यहां से, सी चला गया। अच्छा एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, कर दूं, चलो मॉडिफाई कर देता हूं, और यहां पे अगर मैं लिख दूं, ये लो जी, कुछ बच्चों को ना लत लग जाती है कि हमेशा तीसरे नंबर के पार्टनर को ही रिटायर कर रहे हैं, क्वेश्चन में भी ज्यादातर मिलेगा तो हमेशा तीसरे को गोली कर देंगे, चल बेटा तू गोली हो जाए यहां से, और फिर गड़बड़ हो जाती है। लो जी रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है और उनका जो रेशियो है 5:4:1 है, कौन रिटायर हो रहा है यहां पे, ए, कौन रिटायर हो रहा है जी ए। अगर आप बोले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, क्या बताओ जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बता सकते हो कि क्या आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे ए, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 4:1, लेकिन ये किसका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे लिख लो यार, कन्फ्यूजन रहेगी नहीं तो, यहाँ पे ए एंड बी का है और यहाँ पे बी एंड सी का है, समझ गए, तो हटा देंगे उस पार्टनर को जो पार्टनर यहां से रिटायर हो रहा है, तो अगर यहां पे 5:4:1 है और रिटायर हो रहा है यहां पे ए, तो ए का शेयर हटा दो तो जो रेशियो बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर का बचेगा, ओके। अब अगर मान लो आपको बोले कि भाई ठीक है ये बात समझ में आ गई, अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ऑल शेयर।
अगर मान लो ए का गेनिंग रेशियो निकालना है तो ए का न्यू शेयर कितना है, 5/9, देखो ना 5:4 है, वही पुराने जो एक्चुअल क्वेश्चन है वही लेके कर रहा हूं मैं, देखो ना एबीसी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, 5:4 रेशियो है, तो यहां पे देखेंगे 5/9 और यहां पे क्या आ जाएगा 5/10, रेशियो बताओ इन दोनों का कितना आएगा जी, एलसीएम 90 आएगा और ये आएगा 50-45, तो 5/90। ओके, इसी तरीके से अगर बी का हमने देखा और बी का चेक करो, बी का कितना आएगा तो 4/9 न्यू माइनस ओल्ड कितना है 4/10, ये आएगा 40-36/90, क्योंकि इन पार्टनर्स को कुछ ज्यादा फायदा ही हो रहा है ना। हेलो, गेनिंग रेशियो में ए का जो शेयर है, ये न्यू शेयर माइनस ऑल शेयर, कितना गेन हुआ, न्यू इतना है, पहले इतना था, इसका मतलब इसको और इतना मिल रहा है, पहले 4/9 नया 4/9 है, पहले था 4/10, काटोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास जी, सॉल्व करके 4/90। तो अगर बोले आपको गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना आ गया जी, 5:4। तो आओ जरा राज की बात सीखते हैं, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में भी सिखाई थी आपको, राज की बात, केस वन अप्लाई होगा हमेशा गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर होगा, देखो ना 5:4 आया जो न्यू रेशियो के बराबर है। ओके, तो गेनिंग रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा, न्यू रेशियो के बराबर होगा, किसके, न्यू रेशियो के। केस टू है, अगर मान लो आपको दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी 3:5:7, सी रिटायर हो रहा है और आपको बता दे कि सी शेयर टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी ने टेकओवर कर लिया, कौन सी रेशियो में टेकओवर कर लिया, 3:2 में टेकओवर कर लिया, ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, सी टेक करता है ए और बी का शेयर कौन सी रेशियो में, सॉरी सी का शेयर ए और बी टेक करते हैं 3:2 में, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बताना है। सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो बताओ, ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या है जी, 3:5:7, एक बच्चा कह रहा है 3:2, कहाँ है यहाँ पे 3:2, 3:5:7 है, सी कितने के, सी का शेयर कितना है यहाँ पे 7/15, जो सी का शेयर है वो ए और बी ले लेते हैं, कौन सी रेशियो में ले लेते हैं, बता रखा है क्वेश्चन में 3:2 में ले लेते हैं, तो अगर ए का शेयर यहाँ पे देखोगे तो ए का शेयर कितना है यहाँ पे, चेक करके बताओ, बोलो यहां पे 7/ ए का शेयर 7/5 का 3/5 ये टेक कर लेगा, मतलब 7/15 जो यहां पे 7/15 है इसका 3:2 है, मतलब 3/5 कौन टेक कर लेगा, ए टेक कर लेगा, इसका मतलब ए टेक कर लेगा 21/75 और बी कितना टेक करेगा यहां पे 7/15, इसका कितना टेक कर लेगा ये 2/5, दैट मीन्स 14/75। अच्छा, अगर अब आपको कोई बोले कि बताओ ए का नया शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर कितना है, तो बता सकते हैं, है बिल्कुल बता सकते हैं, ए का पहले कितना मिलता था, पहले ए को 3/15 और कितना मिलने लग गया इसको 21/75, आप कैलकुलेट कर लेना, ये जो भी आएगा वो ए का शेयर आएगा। ऐसे ही अगर बी का न्यू शेयर निकालें, हम क्या निकालें जी, बी का न्यू शेयर, तो बी को पहले कितना मिलता था 5/15 और इसमें और कितने मिलने लग गया उसको 14/75, जो आएगा वो कैलकुलेट कर लेना। ओके, एग्जाम में आंसर तो अभी पता चल गया, इसको अगर वैसे करना हो तो देखो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे, लिखोगे यहां पे ए बी सी का शेयर ये है, सी रिटायर हो रहा है, लिख रहा है यहां पे कि ए टेक्स कितना, ए टेक्स 3/5 ऑफ सी शेयर, तो सी का शेयर 7/ कितना है 15 × 3/5, जो हमने यहां पे ऐसे निकाला ना वो, अब यही तो निकाला था 7/15 × 3/5, तो वही चीज हमने यहां लिखा, तो ए का न्यू शेयर निकालेंगे हम ऐसे, हाँ जी, ऑल शेयर प्लस न्यू शेयर,
इसी तरीके से यहाँ पे कहता है बी कितना टेक ओवर कर लेता है वहां से, तो 7/15 का 2/5, तो बी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, ये आ जाएगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का पता चल गया। अब आपको बोले गेनिंग रेशियो निकालो या सेक्रीफाइसिंग बताओ, तो न्यू शेयर माइनस ऑल शेयर निकाल सकते हैं जी, सिंपल टाइप है ये, है ना। एक राज की बात क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 3:2, क्या आपको नहीं लगता कि गेनिंग रेशियो वही है जो टेक रेशियो है उनका, यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था कि सी का शेयर ए और बी 3:2 में टेक कर लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अभी हमारे पास आंसर आया है गेनिंग रेशियो का कितना है हमारे पास 21:14, दैट मीन्स 3:2। तो एक राज की बात से ये पता चला कि राज की बात में जो गेन रेशियो होता है वो हमेशा टेक रेशियो होगा अगर केस टू अप्लाई हो रहा है वहां पे, क्या अप्लाई हो रहा है केस टू, कैलकुलेट करके दिखा दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे 3:2। ये चीजें याद रखनी है क्योंकि जरूरी है, ओके, ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। चलो तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया जिसमें हमने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत जल्दी मिलने वाला हूं मैं आपसे एक लाइव सेशन में जिसमें अकाउंट से रिलेटेड सभी क्वेरी को सॉल्व करने वाला हूं, तो जो भी प्रॉब्लम है अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं।